अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा मलिक बियास किचन के साथ। आज हम बना रहे हैं चिकन बॉक्स पैटीज, क्रीमी बॉक्स पैटीज जो बहुत ही यमी बनते हैं। डिफरेंट मिक्सचर है, थोड़ी सी 19-20 करने से फिलिंग चेंज हो जाती है और चीज़ बहुत ही यमी लुक और डिफरेंट लुक देती है। आप इसी तरह इसको ट्राई कीजिएगा। ये मेरा वर्जन है, ये मेरी रेसिपी है, आप इस रमज़ान में ट्राई करेंगे और ज़रूर वाह वाह वसूल करेंगे। आइए हम अपने मेथड की तरफ चलते हैं। मैंने पैन लिया है, उसको चूल्हे पे रखा है मीडियम हीट पर और उसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ऑयल और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 kg मेरे पास चिकन का कीमा है। आप बोटी भी यूज़ कर सकते हैं बाद में उसे श्रेड कर लें, मैं कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अफ्तार में बेसिकली चिकन यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जल्दी जल्दी वो कुक हो जाता है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास अफ्तारी का। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इसके कलर चेंज होने तक इसको कुक करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन को मैंने 5 मिनट कुक किया है तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है और ये फ्रोज़न था तो इसलिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है, मुझे मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें डालूँगी 1/2 teaspoon के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर और 2 tablespoon सोया सॉस। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी मिक्स करके ताकि सारे स्पाइसेस का टेस्ट कीमे में अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। अगर आप का फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश कीमा है, तो आप इस स्टेज पे मसालों के साथ 1/4 cup के करीब पानी इसमें ऐड करके इसे कुक कर सकते हैं। मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब मैं इसे ढाँक दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए और मीडियम टू लो हीट पर। पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा कीमा भी कुक हो गया है, ये रेडी है। मैं अब इसे प्लेट में निकालती हूँ और जब तक ये ठंडा होता है हम अपने वाइट सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। पैन मैंने चूल्हे पे रखा है वाइट सॉस के लिए और मैंने लिया है 2 tablespoon बटर, इसको हम मेल्ट करेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर और इसको अच्छे तरीके से इसमें भूनेंगे। मैदा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/4 teaspoon सॉल्ट, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/4 teaspoon वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च और 1 teaspoon मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब अवेलेबल नहीं हो तो आप पार्सले या ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 cup दूध ऐड करेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। मैंने इसमें 1 cup दूध ऐड कर दिया है और जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो आराम से इसमें रिमूव हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है टेक्सचर इसका। इसको आपने लो हीट पर बनाना है ताकि ये जले नहीं वरना स्मेल आने लग जाएगी। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon के करीब फ्रेश क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये थिक भी हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा इसका टेक्सचर। बस ये इतना थिक हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा जो हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था। मैंने सॉस में स्पाइसेस इसीलिए कम रखे हैं क्योंकि चिकन में हमने चिकन के अपने स्पाइसेस ऐड किए थे, फिर भी आप नमक तो टेस्ट करके ऐड कर ही सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने इसमें कीमा बिल्कुल मिक्स कर दिया है और हमारी क्रीमी फिलिंग, चिकन की क्रीमी फिलिंग रेडी है। अब हम अपने पार्सल्स बनाते हैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद 5 मिनट। बॉक्स पैटीज बनाने के लिए मैं ये समोसा पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम कराची में इसे पड़ कहते हैं या समोसा पट्टी भी कहते हैं, मांडा पट्टी भी कहते हैं। इस तरह से हमने लेनी है और प्लस के साइन में इस तरह से रखनी है। मैंने इसको बाइंडिंग के लिए ये लई बनाई है, मैदा और पानी, 2 चम्मच पानी है और 2 चम्मच मैदा है, इसको मिक्स करके अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसके सेंटर में हम अपने चिकन का मिक्सचर डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितना पसंद करते हैं, ज़्यादा फिलिंग पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा फिल कीजिए। इसके अलावा अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रा इससे बच्चों को ट्रैक्शन मिलती है और लुक अच्छा आता है। अब हम इसको बाइंड करेंगे। बाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये साइड यहाँ ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम अपनी इस लई के मिक्सचर को लगाएंगे ब्रश की मदद से। बहुत इजी है, आप 2 दफ़ा बनाएंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। फिर इसके बाद इस लेयर को ऊपर रखेंगे, मतलब किसी भी एक साइड से आपने शुरू होना है और 1 बाय 1 सारी लेयर्स को इसके ऊपर रखते जाना है। अब हम थर्ड लेयर को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, इसको प्रेस करके चिपका देंगे। इसके ऊपर फिर हम लई लगाएंगे और इस वाले पोर्शन को ऐसे करके इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए हमारा बॉक्स पैटीज रेडी है। इस तरह से हम बाकी सब भी तैयार कर लेंगे। मैंने ये 10 पैटीज बना लिए हैं, बॉक्स पैटीज। आप देख सकते हैं जितना मिक्सचर था उससे कम से कम 15 बन जाएंगे। आप इस तरह से बनाकर एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज कर सकते हैं, जब आप चाहें उसको फ्राई कर सकते हैं, 1 महीने तक आराम से ये फ्रीज हो सकते हैं। मैंने एक अंडा लिया है, उसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा मिर्च डाला है चुटकी भर समझ लें, और मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 कप, और इसको बॉक्स पैटीज को हम एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे भी फ्राई करके दिखाऊंगी। और दूसरा ये है मेथड कि आप इसको डिप करें एग में अच्छे तरीके से 4 साइड से, और उसके बाद इसको कोट करें। मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। पहले हम बग़ैर ब्रेड क्रम्स वाले फ्राई करेंगे ताकि ऑयल गंदा ना हो। ब्रेड क्रम्स जलने से ज़रा वो ऑयल में निकल जाते हैं थोड़े बहुत ज़र्रे, तो ऑयल ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पहले आपको बग़ैर ब्रेड क्रम्स वाले फ्राई करके बता रही हूँ। आप देख सकते हैं नाइसली गोल्डन कलर हो चुके हैं। अब मैं ये उतार लेती हूँ। अब मैं ब्रेड क्रम्स वाले फ्राई करूँगी जो हमने अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, और नाइसली गोल्डन कलर तक इन्हें फ्राई करेंगे। हमारे ये नाइसली गोल्डन कलर हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे हम 1 बाय 1 करके, और इसी तरह अपने जो रिमेनिंग हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे इफ्तार स्पेशल चिकन बॉक्स पैटीज रेडी है, जो बहुत ही यम्मी है। डिफरेंट मिक्सचर के साथ बनाए हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको इस तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हमने चीज़ डाला था, कितना यम्मी लुक दे रहा है और बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं ये जो ब्रेड क्रम्स वाले हैं ये भी बहुत यम्मी लुक दे रहे हैं, और जो क्रिस्प वाले हैं वो भी। आप इस तरह दोनों रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी है। इसी तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए बियाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।